स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मानवी दी, प्लीज प्लीज ये पकोड़े मत खाओ ना, आपको कुछ और खाना है ना, मुझे बताओ, मैं जाके बना के लाता हूँ। प्लीज आप बस ये पकोड़े मत खाओ, प्लीज दी। चल ना, मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं पकोड़े, तेरी परमिशन लेके खाने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ तुझे चाहिए तो एक दो ले ले, पूरी प्लेट नहीं दूंगी, ले पकड़ चल बाहर में जा। बीजी आप किसे ढूंढ रही बेटा? टब्बू को। टब्बू को क्यों, कोई काम है? कुछ पूछना है। क्या पूछना था बेटा? हाँ वो नहीं 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 कोई इंपॉर्टेंट बात थोड़ी ना है, एवं टाइम पास। क्यों, एक बहन अपने भाई को मिस नहीं कर सकती है क्या? बताओ ना बीजी, देखा है क्या डब्बू को कहीं पे? अरे हाँ, मैंने उसे बाजार भेजा है। बाजार? हाँ। इतनी सुबह सुबह बाजार? हाँ तातुन लाने। तातुन? बीजी पर इस घर में तो सब टूथब्रश यूज करते हैं, तातुन? अरे वो बड़ी भी कभी कभी इस्तेमाल करती है ना। अच्छा जो भी है, जब वो आए तो प्लीज उसे बोलना कि मैं उसे बुला रही थी। अच्छा अब तेरी तबीयत कैसी बेटा, उल्टी करने को मन तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं बीजी, मेरा तो भांगड़ा करने का मन कर रहा है, करके दिखाओ। जल्दी इतनी सुबह सुबह बाजार? नहीं नहीं इतनी सुबह सुबह तो वो स्कूल जाने के लिए नहीं उठता यार, जरूर कहीं सोया पड़ा। टब्बू 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 बेटा उठ, टब्बू उठ ना बेटा। बीजी क्या हो गया? बेटा इसे कहीं बाहर भेज दे, मानवी इसके बारे में पूछ रही थी और मैं जानती हूँ मानवी क्यों पूछ रही थी। ओ टब्बू उठ, उठ टब्बू उठ। अरे लेकिन इसको भेजू कहाँ? कहीं भी भेज दे, बाजार भेज दे चल। ओ टब्बू उठ 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 चल चल उठ। अरे बाजार जाके घर का सामान लेके आना, चल 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 जा जा जल्दी। अब अरे समझ ना, जा फ्री में थोड़ी देगा पैसे तो। टब्बू मानवी दी मैं इधर हूँ, आप चुप, इसके बाद एक शब्द नहीं बोलना तू, और मानवी के सामने तो बिल्कुल बताना, जल्दी कर बाजार जा जल्दी जल्दी। हाय रब्बा डब्बे यहाँ हाँ पर भी नहीं, कोई बात नहीं, टब्बू को बुलाने का शॉर्ट शॉर्ट तरीका है मेरे पास। मानवी दीदी उठाओगे? नहीं उठाऊं, उठा लेता हूं। हेलो डब्बू, मेरे भाई कहाँ चला गया तू इतनी सुबह सुबह? चल कोई बात नहीं, छोड़ इन सारी बातों को, जहाँ पे भी जल्दी से आ जा। तुझे पता है मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना के रखे, चाय की चुस्कियाँ लेके खाएंगे मेरे भाई। पकौड़े? हाँ नहीं दी, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा नहीं आना क्या? कोई बात नहीं, मैं खुद ही सारे गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े खा लूंगी। चल बाय। ओके मिर्ची के पकौड़े मानवी दी? नहीं आप नहीं खा सकती। अब आएगा पहाड़ के नीचे। क्या पकौड़े बनाए मानवी, नहीं
नहीं नहीं नहीं, आप ये पकोड़े नहीं खा सकती हो मानवी दीदी। तू नहीं खा सकती? नहीं डब्बू, ये मैंने अपनी मेहनत से बनाए, बिल्कुल ताजी मिर्च के, और इसमें कोई कॉकरोच भी नहीं है। दी, मुझे बहुत भूख लगी, सारे पकोड़े मैं खाना चाहता हूं, आपको नहीं दूंगा। नहीं नहीं दूंगा, नहीं मुझे दे, नहीं मुझे दे, मुझे खा, डब्बू मेरी प्लेट। अरे दे ना, वापस जाइए, पकोड़े ये लो। हां मैं बीजी, पकोड़े खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। चल चल ला, मुझे जाइए। अरे दे ना, कुछ मीठा खा लो ना आप। नहीं, मुझे डॉक्टर ने ना कही है। और मुझे सर मिर्च मसाले खाने के लिए बोला है। अच्छा, किसने? मेरी होने वाली सांस में। अरे चल ना दे। अरे मानवी दी, मानवी दी, मानवी दी, प्लीज प्लीज ये पकोड़े मत खाओ ना, आपको कुछ और खाना है ना, आप मुझे बताओ, मैं जाके बना के लाता हूँ। प्लीज आप बस ये पकोड़े मत खाओ, प्लीज दी। चल ना, मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं पकोड़े, तेरी परमिशन लेके खाने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ तुझे चाहिए तो एक दो ले ले, पूरी प्लेट नहीं दूंगी, ले पकड़, चल बाहर में जा। पकोड़े नहीं खा सकती हो दी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे पता था ना डब्बू, बोलना चुप क्यों है? सबको बताना दी, मम्मी को, बड़ी बीजी को, सबको मालूम था। बीजी ने आपसे कहने के लिए मना किया था हम सबको, ताकि आपको बुरा ना लगे। मेरे घर में क्या एक से एक कलाकार भरे हुए, डब्बू क्या एक्टिंग करता तू है, डब्बा लगता था मुझे। चाची क्या इतना क्यूट सी शक्ल बना के खड़ी है, चाची एक्टिंग यार। एक ये हमारी क्वीन एलिजाबेथ, क्या बीजी ये एक्टिंग करते हो आप सब, तो मेरा भी पत्ता काट दिया। हे 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 हे, मैं एक्टिंग करती ना तो सबकी छुट्टी कर देती, तेरी भी। तो बीजी बेटा, मैंने किसी को नहीं बताया, ये तो कुछ समझ गए थे। मैं झूठ नहीं भूल पाई ना बेटा, आप जानती है तब वो तुझे पकौड़े खाने से क्यों मना कर रहा था। वो तो मैं अभी भी खाऊंगी, मुझे पता था बेटा तू ये हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैंने दूसरी प्लेट भी पकौड़े बनाए हैं। बीजी सुनो, मेरी बात तो सुनो बीजी, प्लीज। ये मैं खा लेता। इसमें मिर्ची का टेस्ट नहीं है जी, जो पनीर जैसा कुछ लग रहा है। ए घोचू, पनीर जैसा कुछ नहीं, इसमें पनीर ही है। अरे बारह क्यों बजा रखे, शक्ल में इनमें मिर्ची के पकौड़े नहीं है ये। क्यों, जब आप लोग इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ मेरी बड़ी बीजी, पकौड़े खाने देना आपको, लो खाओ, ठूस लो पकौड़े। ए पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे, खाओ और ऐश करो। वैसे इस सब से मुझे ये तो पता लग गया कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। लेकिन अब जब पता लग ही गया, आज से नाटक बंद है। लेकिन हाँ,
प्लीज 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 कोई रोएगा नहीं। और हाँ, कल से सबको फुल ऑन मेरी सेवा करनी होगी। ए डब्बे, तू मुझे दिन में 10 बार मुझे हंसाएगा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और हाँ, 24 घंटे मेरी नर्स बन के मेरी सेवा करेगा, रहेगी ना? ठीक है दी। चाची, आप रोज मेरा मनपसंद खाना बनाओगे और मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी। वैसे भी मैं तेरे से इतनी हेल्प थोड़ी ना मांगती थी कभी भी। अब जिसको ऐसा घर मिला है, ऐसा परिवार मिला है, उसे कोई बीमारी हो सकती है क्या? लेकिन हाँ, ये बात ऋषिकेश छोड़ के चंडीगढ़ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बैठी ना हम सबकी मदर इंडिया मेलोड्रामा क्वीन जीविका दी। उनको पता लग गया तो फाइनल अवार्ड वही लेके चली जाएंगी। अरे जोक था यार, हंसना था, प्लीज हंसो ना, हंसो ना, प्लीज हंसो ना। अरे मैं भी पीछे बैठी हूँ। ए दुश्मन, इधर आ। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.